विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज पलवल के गांव ककराली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक दीपक मंगला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विधायक दीपक मंगला ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस चूल्हा भेंट किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश एलईडी के माध्यम से दिखाया गया। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश और प्रदेश के प्रत्येक गांवों में जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। ग्रामीणों को केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी मिल रही है। यात्रा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा लोगों की फैमिली आईडी को ठीक किया जा रहा है। आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों के कार्ड बनाए जा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा लोगों की पेंशन की समस्याओं को दूर किया जा रहा है। इसके अलावा संबंधित विभागों द्वारा योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है और लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में ग्रामीण काफी संख्या में भाग ले रहे हैं। किसानों को ड्रोन तकनीक की जानकारी प्रदान की जा रही है। आयुष्मान योजना के लाभार्थी मूलचंद ने बताया कि उन्हें शुगर की बीमारी हो गई थी। आयुष्मान योजना के तहत उनका इलाज किया गया है। इलाज का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया गया है। सरकार की यह अच्छी योजना है। लोगों को अधिक से अधिक संख्या में सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी रचना ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत चूल्हा और गैस कनेक्शन दिया गया है। अब चूल्हे पर खाना नहीं बनाती है। सरकार की इस योजना से अब उनके जीवन में बदलाव आया है। उनके बच्चे समय पर स्कूल जाते हैं। इस योजना के लिए सरकार का धन्यवाद किया। लाभार्थियों को गैस का कनेक्शन, सभी का स्वागत है। तो कलर चेंज हो जाएगा, पानी का रंग हल्का पीला है तो सफेद होता तो पानी ठीक है, बैक्टीरिया नहीं है। कई बार ब्लैक हो जाता है ना, तो फिर पानी में कहीं ना कहीं से बैक्टीरिया कोई लीकेज थी हमारे कनेक्शन में या कहीं से और यहाँ से हम डाटा उगर देखते हैं, मेल करते हैं कि किस प्रकार कंपनी छिड़काव के लिए कंपनियां ये तो वैसे हो रहा है, भेजा है और बीमा कंपनी को, उसी ने तो लगाया, उसी ने तो किया है, उसी ने सर्वे किया है। जब तो बोलते हैं ये 48 का, ये देखो 48 घंटे के अंदर अंदर हमें ये रहो। अच्छा और आप अपना पैर पे खड़े हो जाएंगे और आप इस प्रकार से काम आगे बढ़ाएंगे, ऐसा कभी विचार आया था? नहीं सर, एक्चुअली यहाँ से एक 6-7 साल पहले ठीक किया था, उनको नहीं मिला था उस टाइम। अभी आपका जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ मिलने से बहुत अच्छा फायदा हुआ हमको। यूपीआई से करते हैं कि कैश से लेते हैं? किस गांव के रहने वाले? ककराली। ककराली। अच्छा, आपको कोई बीमारी हुई थी? शुगर है जी, मुझे शुगर। शुगर तो कहीं एडमिट होना पड़ा था? हाँ जी सर, सरदार जी ना गुरु नानक हॉस्पिटल पलवल वाला। अच्छा, कब की बात है, कब एडमिट हुए थे? तो कितने दिन एडमिट रहे वहाँ? रहा जी मैं कोई 20 दिन एडमिट रहा। पैसे लगे आपके? पैसे नहीं।
क्यों पैसे नहीं लगा? मेरा वो आयुष्मान कार्ड चल गया, तो आयुष्मान कार्ड बनाने का फायदा तो मेरा फायदा था जी, लोगों को बनवाना चाहिए, बनवा चाहिए जी, हमें तो फायदा है जी, सबका सभी फायदा है, जो बनवाएगा सभी फायदा है। ठीक है, धन्यवाद। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समर्थ गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मूलचंद जी, गांव मेरा ककराली है, मेरे शुगर की बीमारी सारा इलाज मेरा फ्री हुआ जी, आयुष्मान कार्ड से कोई पैसा नहीं लगा जैसे जी, सभी अपना ये कार्ड बनाना चाहिए, कोई आदमी जो नहीं रहना चाहिए भाई कि ये कार्ड बना रह गया, सबको बनवाना चाहिए अपना कार्ड। मेरा नाम रचना है, मेरे पति का नाम बाबूराम है, मैं गांव ककराली की रहने वाली हूँ। मुझे उज्ज्वला योजना से बहुत ही लाभ हुआ है, पहले मैं बच्चों का खाना समय से नहीं बना पाती थी, अपने बच्चों को स्कूल से टाइम से भेज पाती हूँ। मैं पीएम मोदी नरेंद्र मोदी का मंदिर से धन्यवाद करूँगा। देखिए, जो ये भारत विकास संकल्प यात्रा देश और प्रदेश के सभी गांवों के अंदर जा रही है, तो आज हमारे ककराली गांव में आज इस यात्रा का आया है, ग्रामवासियों ने इस यात्रा का स्वागत किया है और सभी यहां पर जो केंद्र सरकार की प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं इस यात्रा के माध्यम से अपनी योजनाओं की जानकारी मिल रही है। किसी की कोई फैमिली आईडी है, किसी की कोई आयुष्मान कार्ड है, किसी को कोई पेंशन बननी है, सभी विभाग के यहाँ आकर के जो इन योजनाओं के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं और जिसकी जो समस्या है उसको समाधान भी यहाँ पर किया जा रहा है। आपकी विधानसभा क्षेत्र का ये कौन सा कार्यक्रम है आज? ये आज लगभग नहीं जी, नौवां या दसवां, एक पहले हो गया दसवां कार्यक्रम। आज इसके बाद किस गाँव में जाएंगे फिर? इसके बाद अभी लालवा गांव के आज का ही है जी। क्या कहेंगे, इससे क्या कुछ फायदा है लोगों को? देखिए, आप निश्चित तौर पर आप देख रहे हो सभी गांव वाले, सभी बस्ती के लोग, बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से बहनें और बेटियां भी आ रही हैं और आप देख रहे हैं कि इनमें सरकार की योजनाओं की भी जानकारी ले रहे हैं और खेती के लिए आपने भी यह देखा होगा डैम ड्रोन का भी डेमो कराया गया ताकि इस ड्रोन के माध्यम से जैसे गांवों के अंदर हम ट्रैक्टर से खेती करते हैं उसी तरीके से अब दवा डालने के लिए, खाद डालने के लिए ड्रोन और खेतों में पानी लगाया नहीं लगाया वो ड्रोन से ही ये सब हमारे किसान ड्रोन से इस खेती को कर सकेंगे। निश्चित तौर पर इससे बहुत बड़ा फायदा होगा और आप ये देख ही रहे हैं जो मोदी जी की गारंटी वाला जो यहाँ पर रथ आया है इसको लोगों को इससे फायदा हो और इनसे बहुत अच्छे परिणाम आने वाले समय में मिलेंगे, सरकार की योजनाओं की भी जानकारी मिलेगी और सभी महकमों के अधिकारी भी इन योजनाओं को पूरा करने के लिए लगेंगे। यह है कि अभी यहाँ मोदी जी वर्चुअल मीटिंग